हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोग का झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 का गाइस एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होने वाला है, किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करके आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बता दूं, झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 गाइस, इसे जो है पीईसीई के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम में कंडक्ट करवाया जाता है जेसीईसी बोर्ड के थ्रू। अब गाइस, इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप लोगों को डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है विद इन वेरियस फील्ड। अब जो भी कैंडिडेट इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके क्वालिफाई करता है, उन्हें वेरियस गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट में गाइस यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है अक्रॉस झारखंड स्टेट। अब गाइस, यहाँ पे हमने जो है सारे हाईलाइट्स देख लिए, अब बात करते हैं इसके डेट्स के बारे में। सो गाइस, आप लोगों का जो एग्जाम है यहाँ पे, आप लोगों का जो मीन्स काउंसलिंग का प्रोसेस है आप लोगों का, वो यहाँ पे 4th week of July से कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जाम आपका 2nd week of July में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, एडमिट कार्ड 1st week of July में रिलीज की जाएगी, एप्लीकेशन 1st week of May में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे रिलीज की जाएगी। ये सारे डेट्स गाइस टेंटेटिव डेट्स है, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू ऑफिशियल डेट्स अनाउंस होंगे, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, आपको उस वीडियो में हर एक इवेंट की डेट एक्सप्लेन करके बता देंगे। नेक्स्ट, मूव टू एप्लीकेशन फॉर्म। सो गाइस, आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते हैं, तो आपके एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है, मे बी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो। क्योंकि गाइस, यहाँ पे क्या होता है, कई बार जो है कैंडिडेट्स जो रहते हैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे रहते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या प्रिकॉशंस हैं, किस वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए गाइस, स्पेशली आप लोगों के लिए, जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, उस वीडियो में आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। जी हाँ गाइस, फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक आप लोगों को उस वीडियो में पे करके बताई जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो। बात कीजिए एप्लीकेशन फी की, तो गाइस यहाँ पे ₹650 जनरल कास्ट ओबीसी की एप्लीकेशन फी रहेगी, एससी एसटी एंड फीमेल कैटेगरी के लिए ₹325 एप्लीकेशन फी रहेगी। एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले एज लिमिट बता दो आपको, कोई भी यहाँ पे लोअर एज लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए कैंडिडेट्स की मिनिमम एज लिमिट 17 और मैक्सिमम 20 एज लिमिट रख दी गई है, सिर्फ और सिर्फ माइनिंग कोर्सेज के लिए, माइनिंग इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए। बात कीजिए क्वालिफिकेशन, तो 12 पास आउट रहनी चाहिए विद मिनिमम 35%, और अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट है, यानी कि आपका जो है फाइनल एग्जामिनेशन 2022 में होने वाला है, तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न की बात किया तो गाइस, एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा, पेन पेपर बेस्ड टेस्ट एग्जाम लिया जाएगा, टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को एग्जाम में, हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेजेस में पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, ड्यूरेशन जो टोटल 150 मिनट्स आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे एग्जाम कंप्लीट करने के लिए, 150 एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे, हर एक सही आंसर पे 1 मार्क्स दिया जाएगा, गलत आंसर पे 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। बात की जाएगा ऐसे आप एग्जाम क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों में से 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फॉर 50-50 मार्क्स। अब गाइस, सिलेबस की बात की तो सिलेबस आपका काफी ज्यादा वास्ट है, तो यहाँ पे हर एक टॉपिक डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहां पे क्लिक करके वहां से आप डायरेक्टली अपना सिलेबस आसानी से चेकआउट कर पाएंगे। नेक्स्ट, मूव टू एडमिट कार्ड। सो गाइस, आपका जो एडमिट कार्ड है यहाँ पे झारखंड पॉलिटेक्निक का काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड एग्जाम देना तो दूर की बात है, इवन एग्जाम सेंटर में भी नहीं लिया जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप लोगों ने जो है यहाँ पे अपना जो है एडमिट कार्ड अच्छी तरह से डाउनलोड किया हो। कई बार क्या स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका और वो उसे डाउनलोड नहीं कर पाते, तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, एडमिट कार्ड रिलीज होते उसके ऊपर वीडियो बना देंगे हम, उसमें बता देंगे किस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा सेम एज इट इज फॉर रिजल्ट ऑल्सो। सो गाइस, नाउ आई होप आप लोगों को झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा, इनकेस कुछ डाउट है कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।